cos of radius r, small r, if AB is equal to 2AC, then the perpendiculars drawn from the center of each cos of length small a and small b units prove that 4b square is equal to a square plus 3r square. ये प्रूव करना है, कुछ नहीं, बहुत सर्किल बहुत ज्यादा वास्ट है 9th में, यहां अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ दो कॉर्ड है आपके पास, ए बी एंड ए सी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ रेडाई आर. रेडाई आर है, याद रखिए. तो रेडाई आर का मतलब ये रेडियस आर, मैंने यहां इसको जोड़ दिया, ठीक है. अब आपका देखो क्या कह रहा है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ इसे कर दिया, देखिए आपका इधर को और ये ड्रॉन आपने कर दिया, आपका नाम देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया. ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और आपका देखो ए सी के ऊपर आपका जो है ओई इज परपेंडिकुलर ऑन एस. इज दैट क्लियर? और क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ लेंथ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ये इसकी जो लेंथ है, दिस इज स्मॉल ए and the length of this one perpendicular is small. आपको तो प्रूव करना है, आपका देखो 4b square इधर a square plus 3r square. To prove man, you have to do it now. 4b square is equal to a square plus 3r square. To prove. क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट अ थ्योरम, लेकिन एप्लीकेबल. उसमें क्या होगा, जब भी व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द सर्किल्स, द फर्स्ट वी मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द थ्योरम्स. तो नाउ इन अ सर्किल, सर्किल को आपको पता ही है, ओ आर होते हो सेंटर, आर रेडियस, नॉर्थ पोल. Chord AB has got twice of chord AC. In the beginning of the second line, आप देखो AB is equal to 2AC दिया हुआ आपको था. Is it clear? Proof में भी सबसे पहले जो given दिया हुआ उसका इस्तेमाल हम करेंगे आपका नाम देखो. This is the. उसके बाद देखो second phase में आपका आ गया. OD is perpendicular on AB. ये मैंने कह रहा हूं, ये गिवन है आपका दिमाग. देयरफॉर आपका नाम AD इज इक्वल टू आपका नाम BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए. इज इट क्लियर? नाउ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये थ्योरम आप यहां पे अप्लाई करें. देयरफॉर आपका देखो ना AB इज इक्वल टू ट्वाइस AD या ट्वाइस BD. व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड, मतलब मुझे अगर 2BD चाहिएगा तो मैं 2BD उठा लूंगा यहां से, अगर मुझे 2AD चाहिएगा AB की जगह में या 2AD की जगह में AB लिखना तो मैं वो कर लूंगा. अब आपका OE is perpendicular on आपका AC. This is also given. Perpendicular आपका देखिएगा. इसका मतलब आपका अगेन नाम देखो E is equal आपका नाम देखो this is C is equal half of AC. ऐसे यही थ्योरम आपको यहां पे देखना है.
टाइप करना है, नहीं तो टू एस एवर या सेम एस एवर आप लिख सकते हैं। ना इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए और आपका नाम देखो दिस या आपका दिस इज ट्वाइस ऑफ सी। आप ए के टू ए के जगह में ए सी या टू सी वो आपका जैसा भी आपकी सिचुएशन है। क्लियर हो गया? ये तो था, दिस वॉज ए वेरी क्लेरिफिकेशन, वेरी क्लियर क्लेरिफिकेशन अबाउट आपका नाम या स्पेसिफिकेशन अबाउट व्हाट द गिवन इन इक्वेशन आपका। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। तो अब आपका देखो ना ये जो कैलकुलेशन स्टेप आपका आएगा वर्किंग लेआउट सेक्शन, ये आपका देखो ना। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी ए, ये देखिए ये बनाया हुआ यहाँ पे, ये बनाया हुआ यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड वन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज योर हाइपोटेन्यूस। गॉट इट? नाउ व्हाट इज दैट? दिस इज ओए, होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज आपका नाम देखो डी ए का होल स्क्वायर प्लस डी ओ का होल स्क्वायर। दिस ओ इज व्हाट? दैट इज आपका देखो आर स्क्वायर। इज इक्वल टू डी इज व्हाट? डी 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 ठीक है, देख रहे हैं? तो डी आपका क्या है? होल स्क्वायर बट अब करना ये डिनोमिनेटर दैट इज 2 2 2 जा 4 हो जाएगा ना देखो प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट इट विल गो टू मल्टीप्लाई विद दिस ए स्क्वायर व्हिच इज नो योर एलसीएम, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका जाएगा आपका नाम देखो दिस। यहां पे दो चीजें हैं आपके साथ, वो दो चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपका नाम देखो दस हजार बात देखिए। अब आपका यहाँ पे क्या होगा? पहले तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल, ये देखो फोर ए स्क्वायर का फोर ए स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर और एक कंप्लीट आपका फोर आ जाएगा जिसको आप एलसीएम कहते हैं। गो बैक आपका नाम देखो जैसे सीधा तो नाम देखो ये ऊपर चले जाएगा फोर आर स्क्वायर इससे बड़ा आपका देखो ना ए बी का स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका चला गया दिस इज ऊपर। अब आपका देखो फोर आर स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इससे बड़ा आपका देखो ना ए बी का स्क्वायर। ये अब आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए थोड़ी देर में। अब आपका देखो ना ये तो आपका अब बी स्टेप में ये देखो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल ना देखो ओ ई ए, ये वाले को अगर आप देखेंगे यहां पे देखिए ओ डी देखो दिस इज स्मॉल ए, देखिए आप ये आपका देखो ए डी है आपका देखो नाम दिस इज आर रेडियस, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है आपका देखना इट्स कमिंग लाइक दिस आपका देखिए ओ ये देखो आपका ई और ये आपका देखो नाम दिस इज द ए, ये आपका देखो ये दिस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर जा रहा है एंड दिस इज आपका देखो रेडियस। आप इसको रोटेट कर सकते हैं कभी कोई दिक्कत हो जाए, देखो ये मेरा हाथ देखिए ऐसे आपका देखो ए ऐसे आया देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे देखो ये ई इधर आ गया देखो ये ए इधर आ गया देखो ये ओ इधर आ गया। अब आपका देखो ना ए देखिए ये आ गया देखो बी ये आपका देखो ओ ये आ गया देखो ए ऐसे
रोटेट कर दिया ऐसे, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखिए आपका नाम OA का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस देखिए आपका नाम देखो दिस इज द A का स्क्वायर, ये देखो, और प्लस वो आपका देखो OE, OE का स्क्वायर आपका देखो दिस इज द O, OE आपका व्हाट इज दैट इज R स्क्वायर, इज इक्वल टू A, A what is that half of AC, O is what that is B small b as well, ye yahan pe now from equation number 3 hai apka the lekin a iska half of आपको जरूरत है इसकी तो करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मिटा भी सकते हैं, इसको आपको जरूरत नहीं है ए। वो समझाने के लिए था आपका नाम देखो दिस का। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एसी का स्क्वायर प्लस from equation number 1 AB is equal आपका क्या है 2AC, इसका मतलब आपका देखो AB is equal आपका देखो 2AC, तो ना AC is equal half AB हो गया, AB is equal to AC आपका क्या है रिजल्ट के लिए, तो ना आर स्क्वायर इज 1/4 एसी की देखो मैं आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 2AC दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन एसी इज इक्वल आपका हाफ एसी नहीं हो जाएगा, एसी का हाफ हो जाएगा भाई, ए बी का ए बी किसका दुगना है एसी का, ए बी इज अ ट्वाइस ऑफ एसी, एसी इज मीन इट मींस हाफ ऑफ ए बी, इसका स्क्वायर प्लस Now, R square is equal to 1/4 into the root A, 1/4. So, R square is equal to 1/16, AB square plus L, B square. I mean, R square is equal to A, 16B jump, 16B square, over, is equal to 16, is called LCM thing. फिर ये यहां जाएगा आपका देखो 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एक्नॉलेजमेंट होती है आपका देखो दिस 16 आर स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, जैसे यहां पे आपका देखो ये ओडी है इधर के प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस प्लस में चेंज। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 फॉर ए बी स्क्वायर, यानी कि देखो ए बी स्क्वायर इस इक्वल टू आपका देखो अब ए बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है जी, तो ना 4 आर स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इस इक्वल टू 16 आर स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, एक ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये है और एक ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये है आपके पास, यू आर गोइंग टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये आपका टेंथ में जाकर के आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक मेथड आपका बन करके आ जाएगा डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको इक्वलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, आपका 4 यहां से कॉमन ले लीजिएगा, देखिए आपका तो आपका देखो आर स्क्वायर माइनस 4 सॉरी ए स्क्वायर, और इधर से भी आपका देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन अंदर आपके पास देखो 4 आर स्क्वायर माइनस आपका देखो 4 बी स्क्वायर,
आप कहेंगे 16 क्यों नहीं लिया, मुझे 4 की ही जरूरत है, अगर अगर आपको by cross multiplication कर sure है अगर r square minus a square ऐसे कर दो 4 sorry 4 r square minus 4 b square फोर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू देखो 4 आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर और देखो प्लस ए स्क्वायर व्हेन इट इज गोइंग ऑन ओटी देखो ये ऑन ट्रांसपोजिशन दिस माइनस 4 बी स्क्वायर इज गोइंग ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन राइट से लेफ्ट में जा रहा है एंड द प्लस एंड माइनस अपन दे आर कमिंग अप ऑन द राइट हैंड साइड so plus will be converted into minus and minus will be converted into plus to the formula so 4b square is your 4r square mein se 1r square jayega apka dekho 3r square plus a square 4b square equal to a square apna sapna dekho 3r square to na jaisa wo mangta hai waise de de apka dekho this is the proof ye hame prove karna tha 4b square is equal to a square plus 3r square Is it clear? Fine, please do it. देखिए, if two intersecting circles have a common chord, देखिए, one circle is this one and the one circle is this one, its center is O, its center is small, sorry, O dash. Is it clear? Now, they have a common chord. AB दोनों circles के लिए common chord है, and the length. और इस कॉर्ड की जो लेंथ देख रहे हैं आप देखो मैं यहाँ पे इस पे बना देता हूँ देखो ये ये आपका नाम यहाँ तक ये ए है एंड दिस इज बी है देखिए आपका नाम इसकी पूरी लेंथ आपका नाम ये आपका 60 सेंटीमीटर है ये बीच में आपका नाम ये पॉइंट आपका डी है आपका देखो ठीक है ना ये पॉइंट आपका डी यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल में आपका ए बी ए बी आपका एक कॉमन कॉर्ड इसमें ही दिखा दिया मैंने आपका बारे में तो ना प्रूफ में टू सर्कल्स देखो सी ओ आर यहाँ पे कैपिटल आर लिखा एंड आपका देखो सी डैश ओ डैश आर स्मॉल आपका देखो कैपिटल आर ओ सेंटर ओ डैश स्मॉल आर आपका देखो ठीक है आर सर्कल इंटरसेक्टिंग to each other at point A and B points A and B are called the common chord and its length is 16 centimeter ye maine keh raha hu This is given. ये दिया हुआ है आपका बिल्कुल आपके सामने पूरा सवाल है आपका देखो दिस इज द आपका ये तो गिवन का इस्तेमाल है अब आपका देखो ना ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी ओ डी ये देखो ओ डी इज परपेंडिकुलर आपका ये देखिए आपका ऐसे है ओ डी ए ए बी परपेंडिकुलर ये हो गया तो देयरफॉर आपका देखो ना ए डी इज इक्वल टू BD is equal to half of AB. आपका देखो half AB is what 16. आपका देखो 8 सेंटीमीटर. AD is equal to BD. ये आपका ना AD is equal to आपका देखो BD 8 सेंटीमीटर आ गया. And इसी में लिख देता हूँ आपका देखो ना OD is आपका ना also perpendicular आपका देखो on AB. आपका देखो ये भी आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ ने आपका देखो ना तो इसके बाद आपका क्या हो गया देखो ये भी आपका देखो AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू यहां से भी आपका देखो हाफ ऑफ AB हो गया तो ना देखो AD इज इक्वल टू BD आपको शक नहीं होना चाहिए कोई इसलिए मैंने ये दोबारा किया आपका देखो ना एक सेकंड वही चीज आ रही है देखो आपका इज इट क्लियर फाइन कहीं पे कोई एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन देखो ये आपका 8 सेंटीमीटर ये भी हो गया देखो 8 सेंटीमीटर आपका ये हो गया देखिए क्लियर हो गया ये देखो आपके ये जो आपका ए द
दिस इज बी, ये आपका देखो डी, आपका 8 सेंटीमीटर ये हो गया देखिए, और आपका देखो 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 16 अब इस डिवाइडेड अपन। अब क्यों हुआ कि देखो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू कॉल बाइसेक्टर बिना थ्योरम लिखे आगे मत बढ़ना, ये दोनों के लिए यहां पे मैंने कॉमन लिख दिया इसके लिए एक एक ही करते तो भी ठीक था आपका दूसरा, लेकिन बाय द वे आपको कोई दिक्कत है क्योंकि दो रेडियस है इसलिए मैंने लिख लिया। श्योर अब आपको देखो ये फॉर फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सर्किल ये इसको फर्स्ट सर्किल आप लिख दीजिएगा और या फिर ये सेकेंड सर्किल में आपका होगा, तो फर्स्ट सर्किल में आपका देखो अब आपका ये ऐसे सिचुएशन हो गया ए डी ओ 17 आर इज इक्वल टू आपका देखो ना ये 8 सेंटीमीटर और ये आपका नाउ दिस ये वाई आपको निकालना है। एन राइट एंगल ट्राइंगल आपका ना देखो यूज इन पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस देखो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, व्हाट इज दैट ओए का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ओडी का स्क्वायर और प्लस आपका देखो डीए का स्क्वायर, ट्राइंगल आपके सामने उसी में से निकाल दिया मैंने आपका देखो ना ओ इज व्हाट आर देखो कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ये वाई का स्क्वायर और प्लस ये देखो एडी, एडी का मतलब 8 का स्क्वायर, आर का मतलब 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस आपका देखो ना 64 आर, तो ये आपका 289 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये देखो ये ओटी में चला गया ऐसे के लिए, तो y स्क्वायर 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बोलो 225, तो देखो y इज इक्वल प्लस माइनस इफ यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम वन साइड सेकंड आपका देखो 225, लेकिन माइनस नहीं होती क्योंकि साइड कभी भी माइनस नहीं होती है रेडियस पे भी, तो देखो y इज इक्वल आपका ना देखो प्लस 15 सेंटीमीटर y, ये देखो आपका एक ओडी है क्लियर अंदर ये था। अब दूसरे सर्किल में आप आ जाएंगे देखिए ये देखो अपना ए ए डी ए ओ डैश ये आर इज इक्वल टू देखो व्हाट 10 सेंटीमीटर हो गया देखो ये हमने x लिया है देखो ये हमको फाइंड आउट करना है और ये आपका ए डी तो नाम इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ओ डैश अगेन यूज इन पाइथागोरस थ्योरम फिर आप कर रहे देखो